नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इसको व्लॉग तो नहीं कहूँगा, ये एक तरीके से हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है कि हम आपको इस पूरे वीडियो में जो अलग अलग हम बनाते रहेंगे उसमें आपको ट्रैवलिंग टिप्स देंगे कि उत्तराखंड में आखिरकार आपको कहाँ आना चाहिए घूमने और क्यों आना चाहिए। इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो समय समय पर जो तमाम अपडेट्स आते रहते हैं, चाहे कपाट खुलने को लेकर, कपाट बंद होने को लेकर, जो यहाँ के पर्यटन डेस्टिनेशन हैं उनके खुलने को लेकर, उनके बंद होने को लेकर, तो ये तमाम चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। तो क्योंकि आपको घुमक्कड़ पहाड़ी के साथ ट्रैवल करना है, इसमें तो हम आपको लगातार बताते ही रहते हैं कि आपको क्या कुछ करना है। आपको केवल वीडियो देखना है, और अगर आप उस जगह को आप पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां आ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं इस वीडियो में हम आज क्या कुछ लेके आए हैं। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं एक बार फिर आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद जानकारी परक वीडियो साथ लेकर आया हूं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अवेयर कर सकूं जो उत्तराखंड में घटित हो रही हैं या फिर उत्तराखंड में जिनकी रिलेवेंसी है आपके ट्रैवल को लेकर। तो दोस्तों इन दिनों चारधाम यात्रा की जो हम बात कर रहे हैं तो 6 महीने लगभग रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं, लेकिन अब समय हो गया है 6 महीने बंद रहने का, तो कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं पहले ही, और अब यमुनोत्री धाम के कपाट और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज भैया दूज के पावन पर्व पर बुधवार को सुबह 11:57 पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद शीतकाल में 6 माह तक माँ यमुना के दर्शन, उनके शीतकालीन प्रवास खुशीमठ या फिर खरसाली में, जिसको हम खरसाली भी कहते हैं, उसमें किए जाएंगे, और विधि विधान से पूजा अर्चना व हवन यज्ञ के बाद 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान धाम में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट बंद करने के बाद माँ यमुना की डोली यमुनोत्री धाम से शनिदेव की डोली की अगुवाई में अपने शीतकालीन प्रवास खुशीमठ यानी खरसाली के लिए रवाना हुई है। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में 6 माह तक माँ यमुना की पूजा अर्चना, उनके शीतकालीन प्रवास खुशीमठ में ही होगी, तथा यहाँ पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु शीतकाल में माता का दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद अगले साल पुनः अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर ग्रीष्मकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस वर्ष यात्रा में यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए लगभग 7 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं यमुनोत्री धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं, तो ये अपने आप में बेहद आश्चर्य वाला भी रहा, और लोगों की जो श्रद्धा है वो किस तरीके से बढ़कर सामने आई है, उसमें सीधे तौर पर लगभग 7 लाख से ज़्यादा अगर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने आप में ये एक बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं। जय यमुना मैया की। आज भैया दूज के पावन पर्व पे माँ यमुना के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अभी जो है 11:57 पे ठीक जो है माँ यमुना के कपाट बंद कर दिए गए हैं, और उनके भाई शनि महाराज जी की अगुवाई में माँ यमुना की डोली जो है खुशीमठ के लिए प्रस्थान कर रही है, और सभी जो है सनातन धर्म धर्मावलंबियों को यमुनोत्री धाम से बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी देशवासियों को खुशियां भरा समय मिले, माँ यमुना का भरपूर आशीर्वाद मिले। जय यमुना मैया की। दोस्तों जैसे हम मैंने आपको बताया कि यमुनोत्री धाम के साथ साथ केदारनाथ धाम के भी कपाट आज बंद कर दिए गए हैं भैया दूज के अवसर पर, तो लगभग मैं आपको बताऊं शीतकाल तथा बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो आज भैया दूज के दिन बंद कर दिए गए हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ अवसर पर प्रातः 8:30 के
लगभग विधि विधान से शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए। आजकल वैसे भी अगर केदारनाथ की बात करें तो बर्फबारी जो है वहाँ पर बहुत अच्छी पड़ रही है और जो चादर है वो उसको वो ओढ़े हुए है, आधा फीट से ज़्यादा बर्फ आज मौजूद थी जब कपाट बंद हुए। और उस लेकिन जो कपाट जब बंद हुए तो उस समय मौसम साफ था। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर में को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया था और 2500 से अधिक तीर्थयात्री कपाट बंद होने के गवाह बने। इस दौरान सेना के भक्तिमय धुनों के साथ जय श्री केदार व ओम नमः शिवाय के उद्घोष भी इस दौरान दिखाई दिए। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली हजारों तीर्थयात्रियों के साथ सेना के बैंड के साथ पैदल मार्ग में प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान हुई। और इसमें जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि केदारनाथ और कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो अब अगले साल की तैयारियां भी उसी हिसाब से तेज हो गई हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए जानकारी है कि अभी लगभग 2-3 धाम बंद हो चुके हैं, एक धाम और बाकी है। 18 तारीख को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद होंगे। तो दोस्तों हम आपको इस तरीके की जानकारियां लगातार देते रहेंगे, तो हमारे घुमक्कड़ पहाड़ी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की जानकारी लगातार मिलती रहे।